नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस पे। इस वीडियो में बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग से एक बड़ा जो है वेल्थ क्रिएट होता है, मतलब अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग से। स्विंग ट्रेडिंग में है कि आप स्टॉक में भी कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में भी कर सकते हैं। आप स्टॉक में करते हैं तो आप जितने चाहें 2, 4, 5, 10 स्टॉक से भी शुरुआत कर सकते हैं और आप जितना चाहें उतना स्टॉक बाय कर। स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी अच्छा वे है स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाने का। तो देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में कैसे हम ट्रेड करते हैं, तो जो स्विंग ट्रेडिंग होता है मतलब एक मूवमेंटम को ट्रेड करना। अगर स्टॉक अबार्ड मूवमेंटम में है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो जैसे ये स्टॉक है टाटा स्टील का, ये यहाँ से यहाँ तक अबार्ड मूवमेंटम किया, तो इसी के बीच के कुछ भाग का आप प्रॉफिट लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब कोई फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करता है तो ये डाउन ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड को भी ट्रेड कर सकते हैं। हम स्टॉक में डाउन ट्रेंड को ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में हम स्टॉक के डाउन बार ट्रेंड को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो कोई यहाँ से डाउन बार ट्रेंड को फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करता है तो ये डाउन बार स्विंग हो गया, यहाँ पर ये अप बार स्विंग हो गया। तो स्विंग होता है मतलब एक मोमेंटम, एक जो तेजी है स्टॉक का, अबार्ड की तेजी हो या डाउन बार्ड की गिरावट हो, उसको ट्रेड करना। तो यहाँ पर आपने जैसे ट्रेड किया इस स्विंग को, तो इस स्विंग में आपने यहाँ पर पोजीशन लिया और यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ट्रेड करते गया और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो हिट हो गया, मतलब आपका प्रॉफिट बुक हो गया। तो यहाँ से लेकर के ये 20 मूविंग एवरेज से लेकर के यहाँ तक का जो आपने प्रॉफिट लिया, इसी को हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। कि मतलब एक स्विंग को, एक तेजी को मैंने ट्रेड किया और यहाँ से प्रॉफिट लेकर के हम निकल गए। तो इससे क्या होता है, आपका जो कैपिटल होता है वो एक स्टॉक में फंसा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर देखिए, ये स्टॉक गिर करके वहीं आया जहाँ पर आपने लिया था, उससे भी नीचे प्राइस आया स्टॉक का। तो ये स्विंग ट्रेडिंग होता है कि आप अपने मनी को, कैपिटल को अच्छे से यूज करते हैं प्रॉफिट को बनाने के लिए। जो स्विंग ट्रेडिंग है उसके लिए बॉलिंजर बैंड प्लस RSI का यूज काफी इफेक्टिव होता है। और दूसरा, आप प्राइस एक्शन का यूज करते हैं, प्राइस एक्शन भी काफी बेहतरीन है। प्राइस एक्शन के माध्यम से सपोर्ट और रेसिस्टेंस को आपको ड्रॉ करना है, फिर ट्रेंड लाइन क्या है उसको देखना है। तो जैसे यहाँ देखिए, ये सपोर्ट था, ये जो लाइन है सपोर्ट था और ये जो इसका ट्रेंड था, तो ये ट्रेंड जैसे ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर पोजिशन अपना बना सकते हैं और यहाँ पर RSI का मदद जरूर लेना है। RSI जब 55 से ऊपर हो तब आप पोजीशन लेते हैं, तो आपको एकदम तेज यहाँ पर स्विंग मिलेगा, तेज मोमेंटम मिलेगा, जिससे आप कुछ ही समय में अपना जो प्रॉफिट का टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन को अच्छे से नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पर बोलिंजर बैंड प्लस RSI के यूज कर सकते हैं। RSI में आप 55 से ऊपर होगा तब बाय करेंगे। चार्ट जो है मंथली का लेना है, मंथली चार्ट लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। जो वीकली चार्ट लेंगे, डेली चार्ट लेंगे, उसमें वोलेटिलिटी काफ़ी अधिक होता है। तो अगर आप जो है महीनों के लिए लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग, अगर स्टॉक में लेते हैं, चाहे फ्यूचर में भी ले सकते हैं, फ्यूचर में आप 3 महीने तक रोल ओवर कर सकते हैं, तो आप मंथली चार्ट का यूज कर सकते हैं। मंथली चार्ट में होगा कि आपको बड़ा बड़ा मूवमेंट मिलेगा। आप वीकली चार्ट करेंगे तो इससे छोटा मूवमेंट, डेली चार्ट करेंगे तो उससे भी छोटा मूवमेंट, और आवरली चार्ट का यूज करेंगे तो उससे भी छोटा मूवमेंट मिलेगा। आवरली चार्ट का यूज तब करते हैं जब हमें 1 से 2 दिन के लिए स्विंग ट्रेडिंग करना होता है। उस तरह डेली चार्ट जब आपको 10 डेज, 5 डेज और 1 मंथ के लिए, उसी तरह वीकली चार्ट जब आप 2 से 4 महीने, और यहाँ पर जब मंथली चार्ट यूज करते हैं तो आपको 1 ईयर, 2 ईयर्स तक के लिए भी आपको यहाँ पर स्विंग देखने मिलेगा किसी किसी स्टॉक में। तो इससे काफ़ी अच्छा आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। तो मंथली चार्ट पे सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप किसी भी स्टॉक पे करें, और स्टॉक में मतलब जो कैश मार्केट है उसमें अपना पोजीशन बनाएं। तो बोलिंजर बैंड काफ़ी इफेक्टिव होता है। बोलिंजर बैंड जब देखिए ऊपर हिट करे तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है, और मतलब जैसे ही बोलिंजर बैंड को छोड़ दे यहाँ पर हिट करने के बाद, तब आपको प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन अगर बोलिंजर बैंड को फॉलो कर रहा है तो आप यहाँ पर 2 से 3 कैंडल पीछे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे जैसे बढ़ते गया, 1 कैंडल आप अपना स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ पर जैसे प्राइस यहाँ पर आ गया तो इसके 3rd कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, उसी तरह चलते रहेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, ये 3rd कैंडल है और आपका स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे है, तो यहाँ पर आपका जब गिरावट होगा तो यहाँ पर आपका हिट हो जाएगा स्टॉप लॉस, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। उसी तरह से कोई यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेड करता है तो यहाँ पर जैसे 20 मूविंग एवरेज के नीचे आता है, यहाँ पर पोजीशन बनाता है, तो धीरे धीरे यहाँ पर आया, जैसे बोलिंजर बैंड को हिट किया तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकता है। लेकिन ये आप फ्यूचर ऑप्शन में ही कर सकते हैं डाउनवर्ड ट्रेड को ट्रेड, जबकि आप अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो काफ़ी अच्छा अब मूवमेंट में अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपका रिटर्न परसेंटेज जो होगा काफ़ी सॉलिड होगा।
तो यहाँ पर देखिए लगातार आपको टाटा स्टील हो गया, JSW हो गया, इसी तरह से कई सारे बेहतरीन स्टॉक है जिसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग काफी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि ये स्टॉक जो होते हैं एक साइकिल में चलते हैं, तो जब इनका अप साइकिल आता है तो आपको अप ट्रेंड का ट्रेड मिलेगा, और जब डाउन साइकिल होता है तो आपको डाउनवर्ड का स्विंग ट्रेड मिलेगा। तो ये सॉलिड स्ट्रेटेजी है स्विंग ट्रेडिंग का, स्विंग ट्रेडिंग जो कि काफ़ी बेहतरीन होता है। आप स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे में भी करते हैं, जैसे इंट्राडे में बैंक निफ्टी को लेकर चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी एक एक दिन में अच्छा खासा मोमेंटम दे देता है, तो आप इंट्राडे में स्विंग ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। देखिए जैसे ये बैंक निफ्टी का हमारा चार्ट है, तो इंट्राडे में आप कैसे करेंगे, यहाँ देखिए बोलिंजर बैंड को यहाँ हिट किया और यहाँ से मार्केट गिरते गया, देखिए बोलिंजर बैंड को फॉलो कर रहा है। यहाँ जैसे बोलिंजर बैंड को ये छोड़ दिया तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जो बैंक निफ्टी है एक बहुत बड़ा इंडेक्स है, इसमें एक दिन में आपको अच्छे खासे मतलब मोमेंटम मिल जाते हैं, तो आप इसमें चाहे तो बैंक निफ्टी में इंट्राडे में भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, या आप इसमें वीकली चार्ट पे भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, डेली चार्ट पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी फिर मोमेंटम आपको अच्छा खासा मिला। तो जब बोलिंजर बैंड ब्लास्ट होगा, जैसे इंट्राडे में 15 मिनट का यूज कर सकते हैं, अगर आप इसमें कई फॉरवर्ड करते हैं कई दिनों के लिए, तो आप आवर्ली चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी। तो ये स्ट्रेटेजी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएगा। चाहे आप पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है। आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता। कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।